ready. GHMC के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की तरफ से ये एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा है. अब तक पूरा ड्राइव में ये थर्ड फेज है. अभी तक 7000 तक हमने एनक्रोचमेंट निकाल चुके हैं और बाकी लोग जो एनक्रोचमेंट निकालने के बाद फिर रीइंक्रोच कर रहे हैं उनका पूरा एस्टैब्लिशमेंट सीज कर रहे हैं. ट्रेड लाइसेंस भी सीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उनका. ये पूरा काम जो कर रहे हैं हम, पूरा ड्राइव जो चल रहा है, ये सब हैदराबादी सिटीजन सबको, आम जनता सबको चलने का हक, द राइट टू वॉक देने के लिए कर रहे हैं हम सब लोग. इसके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सबसे. सभी लोग भी आके हमको थैंक यू बोल के जा रहे हैं. कुछ लोग तो अपने आप जो इंक्रोचमेंट है बना लिए थे वो निकाल ले रहे हैं. बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छा इशू के ऊपर ये सब सिटीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन सब एक होके काम कर रहे हैं. दिस एंटायर ड्राइव एंड द एंटायर इशू शुड कंटिन्यू अंटिल हैदराबाद हैज अ कम्प्लीटली वॉकेबल, चलने का हक सबको मिलने तक ये सब ड्राइव चलता रहेगा. कहाँ से स्टार्ट हुआ सर अभी ये एनक्रोचमेंट? आज 3 जगह पे ये ड्राइव चल रहा है. एक ओवेसी हॉस्पिटल टू चांदरन गुट्टा का स्ट्रेच है, एक कुकटपल्ली टू एरागड्डा का स्ट्रेच है और एक रेड्डीपल्ली टू मेहदीपट्टनम का स्ट्रेच है. आज 3 स्ट्रेच चल रहे हैं. ऐसा एवरी वीक एक डे एनफोर्समेंट डे और ड्राइव चलेगा. हर वीक हम मेन रोड सेलेक्ट करेंगे और वो मेन रोड पे जो जो फुटपाथ एनक्रोचमेंट है वो सब निकालेंगे. थैंक यू सर. ये आप इनको इंटीमेशन दिए थे ऐसा करने वाले हैं? एक्चुअली ये काम करने के लिए हमको इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है सेक्शन 405 के मुताबिक, बट फिर भी हम 24 आवर्स से पहले सब अनाउंसमेंट कराए थे, बोले थे मीडिया में, बोले थे पेपर प्रेस सब में बोले थे. जो इसीलिए तो कुछ लोग जो जिनको पता चला है वो लोग ने निकाल लिया है, खुद ब खुद यही रूट पे इंक्रोचमेंट निकाल चुके हैं कुछ लोग. कुछ लोग जो सोचे कि कुछ नहीं होता उन्होंने नहीं निकाला. For the paper. సార్ ఇటు వచ్చేది సార్, మీరే తీసుకోండి, మీరే తీసుకోండి. జేసీబీ కదా, జేసీబీ ఇక్కడ వచ్చేది. రైట్ సార్, చేయండి చేయండి, వర్క్ చేయండి, వర్క్ చేయండి, వర్క్ చేయండి. అంటే అది మూవ్ అవుతుంది సార్, దాన్ని జేసీబీ चलो मुन्ना जाओ घर को जाओ. है वीडियो गई वीडियो तो हेलो थोड़ी देर हो सुबह से चल रहा भाई.